आज हम अटक जेल खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे एक वकील की हद तक जेल अकाम ने अलाउ किया है लेकिन ज़्यादा वकील नहीं कर रहे हमारी ये सदा थी कि 200 के, के करीब केसेज हैं खान साहब के तो कानून के मुताबिक हमारा हक है जेल मैनुअल के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है एक जाए दो जाए चार जाए लेकिन हमारी सदा मंजूर नहीं की गई उसी बाबत हमने रावलपिंडी हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई है जिसकी आज समात होगी और उसमें हमने मुख्तलिफ लायर्स दो सौ के करीब केसेस हैं तो मुख्तलफ वकला को मिलने की इजाज़त मांगी है हमने इनशाला आजू ही इजाजत मिलेगी तो फिर हम उस हिसाब से इन आज वकला सारे जाएंगे और दूसरा खान साहब की जो पटिशन है जो हर रोज़ आप पूछते हैं वो इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में बाईस के लिए फिक्स हो गई है जिसमें हमने खान साहब की सजा जो कि तोशा खाना केस के अंदर उन्हें हुई है उसकी मतली की इस्त की है तो इन श्ला जो ही वो समात होगी तो खान साहब की इन शह बेल हो जाएगी और उसके साथ साथ जो खाने के हवाले से थी वो आज चीफ साहब छुट्टी पे हैं हम उसके लिए अलग से लायामल तैयार कर रहे हैं कि हमने पिंडी हाई कोर्ट जाना है या क्या सूरत हाल करनी है इन शो भी जल्दी करेंगे और जो खान साहब की बेल्स खारिज हुई हैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ जो खान साहब की बेल्स नैब में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो खारिज हुई हैं उनको हम जो तमाम ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे हम चैलेंज कर रहे हैं इन वो चैलेंज हो जाएंगे और हम वो जो हुक्म जो उनकी गैर यानी कि मौजूदगी में पास किया गया कि वो पेश नहीं हुए तो वो हुक्म करवाने के लिए हम इन शह आज कोर्ट में जाएंगे और इसदा करेंगे कि वो जानबूझ कर नहीं पेश हो रहे थे बल्कि अटक जेल के अंदर कैद थे और उनको तलब करवाया जा सकता था तो लिहाजा वो जो जमानते ख़ारिज हुई हैं वो बहाल की जाएँ। थैंक यू सो मच